राजस्थान में अपराध कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह हरमाड़ा थाना इलाके में स्थित नींदड़ मोड़ चौराहे के बीच सड़क का है, जिसमें एक युवक जो कार में सवार आधा दर्जन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार व गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहा है। इस संबंध में पीड़ित लोगों ने कार चालक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार हरमाड़ा थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि थाने में एक कार चालक ने दूसरे कार चालक के खिलाफ ओवरटेक के कारण मारपीट करने, गाड़ी तोड़ने व महिलाओं को अपशब्द कहने का मामला दर्ज करवाया है। निवासी हनुमान वाटिका 200 फीट बाईपास अजमेर रोड थाना कदनी निवासी कमल कुमार खंडेलवाल ने रिपोर्ट में बताया कि मैं और मेरी पत्नी, पुत्र, पुत्री व पड़ोसी शेखर गुप्ता, उसकी पत्नी शिवानी गुप्ता 4 मार्च रात करीब 10 बजे सीकर रोड से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर आ रहे थे, जहां सन सिटी के आगे टी पॉइंट पर मैंने पीछे आ रही कार से आगे निकाल ली, जहां पीछे से आ रहे कार चालक ने करीब 4 किलोमीटर तक पीछा किया और नींदक बोर्ड के पास मेरी कार के आगे कार लगाकर रोक लिया व मेरे साथ मारपीट की। कार में बैठी मेरी पत्नी, मेरी पड़ोसी की पत्नी आदि सभी महिलाओं को अपशब्द कहे व मेरी कार तोड़ दी। वहीं इस दौरान बीच सड़क पर जाम लग गया। लोगों के बीच बचाव के बाद वह उसका मौके पर वीडियो बना लेने से डरकर वह मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश कर रही है।